करण और प्रीता बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों की आपस में बहुत बनती थी। तभी एक दिन करण प्रीता को शादी के लिए प्रपोज करता है और प्रीता हाँ कर देती है और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर दोनों हनीमून के लिए लंदन चले जाते हैं, जहाँ वो पूरा दिन घूमते रहते और हर रात रेस्टोरेंट में खाना खाते। एक दिन जब वो दोनों अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात पृथ्वी नाम के लड़के से हुई, जो उस होटल का मालिक होता है। पृथ्वी एक बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है और होटल के बिजनेस के अलावा वो लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेच दिया करता था और बहुत सारे पैसे कमाया करता था। पृथ्वी करण से कहता है, सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई हमारे होटल में? तब करण कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और वो दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं और एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब पृथ्वी कहता है, अरे अब तो हम दोस्त बन गए हैं, अब तो मैं इस होटल में रहने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम दोनों यहाँ लंदन में हो, मेरे घर पर रह सकते हो। तब करण और प्रीता दोनों पृथ्वी के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात शर्लिन से होती है, जो पृथ्वी की बीवी होती है और पेशे से वो एक डॉक्टर भी होती है। और अब चारों साथ में खूब मस्ती किया करते थे, चारों बाहर घूमने जाते, साथ में डिनर करते और ढेर सारी बातें किया करते थे। एक दिन पृथ्वी ने कहा, अब वक्त आ गया है प्रीता की एक किडनी निकालने का, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तब शर्लिन प्रीता के जूस में पेट दर्द की दवाई मिला देती है, जिसे पीने के बाद प्रीता के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। तब शर्लिन कहती है, इसे क्या हो गया, जल्दी इसे मेरी क्लिनिक लेकर चलो। जहाँ पर वो प्रीता का टेस्ट करती है और करण से झूठ बोलती है कि प्रीता की एक किडनी खराब हो गई है, हमें उसे निकालना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। तब करण मान जाता है और शर्लिन प्रीता का ऑपरेशन करती है और उसकी एक किडनी निकाल लेती है और प्रीता को सिर्फ आराम करने के लिए कहती है। एक दिन जब करण सो रहा था, तब प्रीता पानी लेने के लिए किचन में जा रही थी कि उसे पृथ्वी और शर्लिन के हंसने की आवाज आती है और वो उनके कमरे के पास जाकर चुपके से देखती है कि दोनों तेज तेज से हंस रहे हैं। तभी शर्लिन कहती है, क्या बेवकूफ बनाया हमने प्रीता को, भाई मजा आ गया। इसके बाद प्रीता सब समझ जाती है और आकर करण को सब कुछ बताती है। तब करण प्रीता से कहता है, तुम पुलिस को फोन करो, मैं पेट दर्द करने का नाटक करता हूँ। तब करण चिल्लाने लगता है। तब शर्लिन और पृथ्वी वहाँ आते हैं और करण कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तब पृथ्वी और शर्लिन करण को क्लिनिक ले आते हैं और शर्लिन करण का टेस्ट करके कहती है, तुम्हारा किडनी खराब हो गया है, हमें ऑपरेशन करना होगा। और वो ऑपरेशन शुरू ही करती है कि तभी प्रीता पुलिस लेकर आ जाती है और पृथ्वी और शर्लिन को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।